शांति। आज 31 अगस्त 2023 प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराते हुए कहा कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। फिर ऊंची अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ बताया कि माया के सब तूफानों को डोंट केयर करना है। कोई भी माया के तूफान आए, हलचल आए, उसमें डरना, रोना व घबराना नहीं है। माया के तूफानों को डोंट केयर करो। लेकिन शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे डोंट केयर नहीं करना है, क्योंकि श्रीमत से ही अंगत समान अचल अडोल एक रस अवस्था बनेगी। और बाबा कहे दिल ही दिल में बाबा से बातें करनी है। बाबा, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपको हमने पहचान लिया। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। बाबा, आप आए हो हमें स्वर्ग की राजाई देने के लिए, तो हम इस कब्रिस्तान कलयुग को क्यों याद करेंगे। मीठे बाबा, हम एक आपको ही याद करेंगे। फिर पढ़ाई और धारणाओं पर विशेष अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर कहा जब भी फुर्सत मिलती है कछुए मिसल अपनी सर्व काम काज कर्म इंद्रियों को समेट कर याद में बैठ जाओ। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो शांत होकर बैठ जाओ। और उसके लिए बाबा ने समय बताया, अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है, जिसका असर सारे दिन में रहेगा। फिर कहा कि बच्चों को यह भी समझाया जाता है कि खिलाने वाला जो परमात्मा शिव बाबा हैं, उनको खिलाकर ही भोजन करना है। जिनके यज्ञ से खाते हैं उनको पहले भोग जरूर लगाना है। फिर कहा कि गायन है, देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, क्योंकि तुम बच्चे ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो। उत्तर में बाबा ने कहा माया के तूफानों को डोंट केयर करो, और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएंगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेंगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे, बीबी मरे तो भी हलवा खाना है, अर्थात ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिति अचल अडोल रहे, कोई भी प्रकार का दुख व रंज ना हो। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। माना तुम मात पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव मातश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे। वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे, वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो, इन देवों के भी देव महादेव हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके। अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में। जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यह उल्टा वृक्ष है। वह तो चैतन्य बीज है ना,
तुम ठहरे बच्चे, कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, जाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है। बीज में जरूर जाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकेंगे। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे हैं, उनसे जाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनियन ट्री की भेंट करते हैं, वह जड़ है, वह चैतन्य है। वह बनियन ट्री जड़ है, यह कल्प वृक्ष चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थूर सारा निकल गया है, सिर्फ जाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, वंडर है ना। बाप समझाते हैं इस जाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं, देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी सारा जाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ हैं, यह है बेहद का जाड़, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है, अर्थात यह सिद्धांत उन्होंने निकाला है। तुम अर्थ सहित जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे, हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह शिव बाबा है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, तो माता भी यह बरोबर है। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं, भक्ति मार्ग में मीरा भक्तन थी, वह है भक्तमाला, ज्ञानमाला भी है, ज्ञानमाला का नाम है रुद्रमाला, रावणमाला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, क्योंकि जिनके राज्य में सुख मिलता है भक्ति उनकी की जाती है, रावण के राज्य में दुख मिलता है इसलिए रावण को जलाते हैं। असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लोक लाज सारी खोई थी। सेकेंड नंबर शिरोमणि भगत कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। यह तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं है। बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में हैं। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। बाबा कहते कोई एक टापू की बात नहीं है, सारे भारत सारे विश्व की बात है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, वह एक न हो तो भारत कुछ काम का नहीं। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है, भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थ पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता एक बाप है, भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ, सबका सदगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है, सचखंड सतयुग में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। अर्थात बाबा कहते हैं बाकी सब आत्माएं गति परम धाम में ज्यादा समय रहती हैं, शांति में रहती हैं। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। समझो किसी का बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा, साक्षी होकर देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, अर्थात अपनी स्थिति शक्तिशाली बना के रखो। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं,
तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो, बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला ना सका। बाबा कहते हैं ऐसी अडोल अवस्था हो जो कोई भी बात परिस्थिति हमको हिला ना सके। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्यम रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है, अर्थात कभी मुरझाना नहीं है, उलझन में नहीं आना है कि क्या करें, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख, इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख हैं। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं, वह क्या सर्विस करते हैं। तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो, इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा ही हर शुभ कार्य करते हैं। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी, तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि सारी महिमा ब्राह्मणों की है, रूहानी और जिस्मानी डबल सोशल वर्कर हैं। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र ओ गॉडफादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है, जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा। बाबा कहते हैं बैठे होंगे भक्ति पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन मन रूपी घोड़ा दौड़ता रहता है। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं मेरी याद से तुमको सुख और अथाह प्राप्ति होती है सदाकाल के लिए, और सब प्राप्तियां है अल्पकाल के लिए। कितनी नौधा भक्ति की। अच्छा फिर क्या हुआ, साक्षात्कार किया बस ना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो, स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं, तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो अभी हम श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़ते जाते हैं क्या, टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है, टीचर से तो पढ़ना है। बाबा लॉजिक की बात बता रहे हैं कि यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ हाथ जोड़ने की या माथा टेकने की बात नहीं है, पढ़ाई पढ़नी है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या, इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषना आती है, यह बाप भी है पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो, 5 विकारों ने काला कर दिया है अर्थात पतित हो गए हैं। सतयुग में तुम गोरे सुंदर पावन थे, अभी शाम पतित हैं। श्री कृष्ण सुंदर पावन था, अभी शाम पतित हैं। बाबा कहे कितने बारी शाम और सुंदर बना होगा, कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो, ब्रह्म तत्व कहा जाता है, अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है, अर्थात बाबा कहते हैं तुम्हारा ओरिजिनल स्थान वह ब्रह्मांड है परम धाम। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही, तुम आत्माएं भी कहते हो, हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र है, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ, मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है,
जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तब ही बुद्धि में बैठेंगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा पढ़ाई पर अटेंशन दिला रहे हैं कि मुरली कम से कम 5-6 बार जरूर पढ़ना व सुनना है, तो ही मुरली याद रहेगी, बुद्धि में बैठेंगी और याद रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती हैं, इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है। कछुए मिसल, सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। पहले बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया, फिर अमृत वेले पर अटेंशन दिलाया, अब बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि भोजन भी बाबा को भोग लगाकर ही खाना है। जो खिलाने वाला शिव बाबा है उनको भोग खिलाकर ही खाना है। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नोंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती हैं, यह सब खेल पाल हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख, नष्टो मुहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल, बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरा, खिलाने वाले शिव बाबा को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। आज बाबा ने वरदान दिया, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन, इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी अलौकिक श्रेष्ठ होगा। बाबा ने सदा समर्थ शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि बताई कि सदा यह स्मृति बने रहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अभी हमारा हीरे तुल्य जीवन बन रहा है, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी, और सदा यह याद रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो स्थिति और कर्म सहज ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाएंगे, अलौकिकता का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, स्वउन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी, क्योंकि जैसा चश्मा होता है कलर भी वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सभी आत्माओं को देखने का दृष्टिकोण अगर बदल जाएगा तो सब में विशेषताएं ही दिखाई देंगी। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।